कर दिया इन्फिनिक्स ने। एक है इन्फिनिक्स का हॉट 10S, ये पहले लॉन्च हुआ था, इसकी कीमत है दोस्तों 10,500। दूसरी तरफ है इन्फिनिक्स का नोट 10 जो लेटेस्ट लॉन्च कर दिया इन्फिनिक्स ने और भी ज्यादा 12,000 का, तो दोनों में 1500 का फर्क है। इस वीडियो में मैं इन दोनों में कंपैरिजन करके आपको बताऊंगा इन दोनों के अंदर क्या क्या कमियां हैं, क्या क्या अच्छाइयां हैं और आपको इन दोनों में से कौन सा खरीदना चाहिए, तो वीडियो को आप एंड तक देखते रहिएगा। चलिए देखते हैं हॉट 10S के साथ 10,500 में क्या क्या दिया गया है। तो जैसे ही आप अनबॉक्स करते हैं सबसे पहले मिलता है मोबाइल, इसके बाद दिए गए हैं कुछ यूजर मैनुअल इस तरीके से। एक मिल जाता है स्क्रीन गार्ड, नॉर्मल क्वालिटी का, खुद से आप लगा सकते हैं इसको। कवर भी दिया गया है इसके साथ। इसके बाद मिल जाती है ये व्हाइट कलर में डेटा केबल, लेंथ और क्वालिटी इसकी दोनों बढ़िया है। बाकी दोस्तों इसके साथ आपको टाइप सी केबल नहीं दी गई, इसके साथ आपको USB टू माइक्रो USB केबल ही मिलती है। ये मुझे इसके अंदर छोटी सी कमी लगी, कीमत इसकी 10,500 है तो टाइप सी केबल का सपोर्ट होना चाहिए था। आखिर में आपको रखा हुआ मिलता है ये व्हाइट कलर में चार्जर, इसके अंदर आपको आउटपुट मिलता है 5V 2A का। तो ये सिंपल सा 10W का ही चार्जर है, फास्ट चार्जर तो इसके साथ आपको नहीं दिया गया, नॉर्मल 10W का ही मिलता है। तो ये सारा सामान आपको मिलता है दोस्तों 10,500 में इन्फिनिक्स के हॉट 10S के साथ। रेट के हिसाब से देखा जाए तो बॉक्स के जो कंटेंट्स हैं वो आपको नॉर्मल ही दिए गए हैं, मुझे इसके अंदर एक यही कमी लगी, टाइप सी केबल होती तो काफी ज्यादा अच्छा रहता। चलिए देखते हैं अगर आप 1500 रुपए ज्यादा खर्च करते हैं इन्फिनिक्स के नोट 10 पे तो उसके साथ क्या क्या दिया गया है 12,000 में। तो दोस्तों जैसे आप अनबॉक्स करते हैं नोट 10 को, सबसे पहले उसी तरीके से आपको रखा हुआ मिल जाता है मोबाइल, जिसका रिटेल लुक हम अभी देखेंगे। उससे पहले देख लेते हैं कुछ यूजर मैनुअल दिए गए हैं इस तरीके से। स्क्रीन गार्ड और कवर इसके साथ भी आपको मिल जाता है नॉर्मल क्वालिटी का। बाकी दोस्तों इसके साथ आपको दी गई है ये टाइप सी केबल, इसकी जो लेंथ और क्वालिटी है वो और ज्यादा बढ़िया है हॉट 10S की केबल से, ये टाइप सी केबल भी है। तो दोस्तों डेटा केबल आपको नोट 10 के साथ ज्यादा अच्छी दी गई है हॉट 10S के कंपैरिजन में। आखिर में आपको रखा हुआ मिलता है ये व्हाइट कलर में चार्जर, इसकी बिल्ड क्वालिटी और ज्यादा बेटर है। अब दोस्तों इस मोबाइल के अंदर आपको फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी दिया गया है और एक 18W का फास्ट चार्जर मोबाइल के साथ बॉक्स के अंदर ही मिल जाता है। तो चार्जर आपको फास्ट दिया गया है नोट 10 के साथ। अब ये सारा सामान आपको मिलता है नोट 10 के साथ 12,000 में। दोस्तों रेट के हिसाब से देखा जाए तो बॉक्स के जो कंटेंट्स हैं वैसे वो आपको ज्यादा बेटर मिल जाते हैं नोट 10 के साथ ही, क्योंकि इसके साथ आपको चार्जर भी फास्ट मिल जाता है और दूसरी चीज इसके अंदर आपको टाइप सी केबल भी दी गई है। ये दो खूबी इसके अंदर ज्यादा है, हालांकि इसकी कीमत भी 1500 ज्यादा है, लेकिन रेट के हिसाब से इस चीज में यही मोबाइल ज्यादा बढ़िया है। चलिए बात कर लेते हैं दोस्तों डिजाइन के बारे में। तो इन दोनों के अंदर आपको डिजाइन मिलता है प्लास्टिक के टाइप का, डिजाइन की जो क्वालिटी है वो दोनों के अंदर आपको लगभग एक जैसी ही दी गई है। ब्लू टाइप का कलर आप देख सकते हैं, हॉट 10S का आपको काफी ज्यादा ग्लॉसी दिया गया है, वहीं दूसरी साइड आपको नोट 10 में ग्रीन कलर काफी ज्यादा बढ़िया मिल जाता है। दोनों ही के अंदर आपको बहुत ज्यादा ग्लॉसी डिजाइन दिए गए हैं, लाइट की रिफ्लेक्शन दोनों के बैक पैनल पे बहुत अच्छी लगती है, कुछ इस तरीके से आपको लाइनिंग्स भी मिल जाती हैं हॉट 10S के बैक पैनल पे। तो दोस्तों लुक वाइज तो डिजाइन दोनों के ही काफी ज्यादा बढ़िया है। बात करें दोस्तों कैमरे के बारे में, तो हॉट 10S में आपको पीछे की तरफ 3 कैमरे दिए गए हैं, जिसमें मेन कैमरा है पहला 48 मेगापिक्सल का, दूसरा है 2 मेगापिक्सल का, तीसरा दिया गया है AI लेंस। फ्रंट कैमरा है इसका 8 मेगापिक्सल का, कैमरे की परफॉर्मेंस आपको इसके अंदर काफी अच्छी मिल जाती है। वहीं दूसरी तरफ इन्फिनिक्स के नोट 10 में भी आपको पीछे की तरफ 3 कैमरे दिए गए हैं, जिसमें मेन कैमरा है पहला 48 मेगापिक्सल का, दूसरा 2 मेगापिक्सल का, तीसरा भी दिया गया है 2 मेगापिक्सल का मैक्रो लेंस। दूसरा आपको मिल जाता है डेप्थ सेंसर, दोस्तों इसमें आपको फ्रंट कैमरा मिलता है 16 मेगापिक्सल का। कैमरे की जो परफॉर्मेंस है वो आपको नोट 10 के अंदर काफी बढ़िया मिल जाती है। इन दोनों के कंपैरिजन में आपको ज्यादा बढ़िया कैमरा मिलता है इन्फिनिक्स के नोट 10 के अंदर ही और 10S से, तो इस चीज में ज्यादा बढ़िया है नोट 10 ही। बात करें दोस्तों डिजाइन के बारे में, तो आप देख सकते हैं कंप्लीट डिजाइन। आपको इन दोनों में किसका डिजाइन ज्यादा अच्छा लगा आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। वैसे कैमरे का डिजाइन ज्यादा बेटर होने की वजह से मुझे नोट 10 का डिजाइन ज्यादा पसंद आया इन दोनों में। बात करें दोस्तों डिस्प्ले के बारे में, तो हॉट 10S के अंदर आपको डिस्प्ले साइज दिया गया है 6.82 इंच का, इसके अंदर आपको 7 इंच से थोड़ी सी कम डिस्प्ले दी गई है, लेकिन इन्फिनिक्स के नोट 10 के अंदर आपको 6.95 इंच की डिस्प्ले मिल जाती है, तकरीबन 7 इंच की है। तो डिस्प्ले साइज में वैसे तो दोनों बड़े हैं, लेकिन नोट 10 और भी ज्यादा बढ़िया है। हॉट 10S के अंदर आपको IPS HD+ डिस्प्ले दी गई है, लेकिन नोट 10 के अंदर आपको IPS फुल HD+ डिस्प्ले मिल जाती है, ये नोट 10 के अंदर ज्यादा बड़ी खूबी है। बात करें दोस्तों यूजर इंटरफेस के बारे में, तो दोनों के अंदर आप ऐसे ऊपर की तरफ स्वाइप करेंगे आपको सारी एप्लीकेशंस मिल जाती हैं। दोनों के अंदर आपको ऐप ड्रॉअर दिया गया है, लेकिन सॉफ्टवेयर का और ज्यादा लेटेस्ट वर्जन आपको मिल जाता है इन्फिनिक्स के नोट 10 के अंदर। दोस्तों हॉट 10S में एक खूबी ज्यादा बढ़िया है डिस्प्ले में, इसके डिस्प्ले के अंदर 90Hz का रिफ्रेश रेट है। तो जब आप इन दोनों को यूज करते हैं तो हॉट 10S के अंदर आपको ज्यादा स्मूथ एक्सपीरियंस देखने को मिलता है नोट 10 से। अब दोनों के डिस्प्ले में आपको करीब से दिखा देता हूँ, साइज तो थोड़ा सा ज्यादा बड़ा है नोट 10 के अंदर, लेकिन डिस्प्ले का जो डिजाइन है वो भी आपको नोट 10 के अंदर ही ज्यादा बढ़िया दिया गया है। इसके अंदर आपको पंच होल कैमरे वाला डिजाइन मिल जाता है, डिस्प्ले के अंदर ही कैमरा है बीच में, हॉट 10S के अंदर आपको नॉच वाला डिजाइन दिया गया है। बाकी दोस्तों हॉट 10S में 90Hz का रिफ्रेश रेट है, इसकी डिस्प्ले की खूबी है, लेकिन नोट 10 के अंदर आपको 3 खूबी ज्यादा बढ़िया मिल जाती हैं। एक तो डिस्प्ले का डिजाइन अच्छा है इसके अंदर, दूसरा इसके अंदर आपको फुल HD+ डिस्प्ले दी गई है,
और तीसरे इसके अंदर आपको साइज थोड़ा सा ज्यादा बेटर दिया गया है। कलर्स और ब्राइटनेस जो है डिस्प्ले के वो भी आपको नोट 10 के अंदर ही ज्यादा अच्छे मिलते हैं। तो एक खूबी हॉट 10 एस के अंदर है, तीन खूबियां नोट 10 के अंदर है। डिस्प्ले में ज्यादा बढ़िया है नोट 10 ही। लेफ्ट साइड से आप देखेंगे दोनों को तो सिम की ट्रे दी गई है इस तरफ। दोनों के अंदर आप दो सिम कार्ड और एक मेमोरी कार्ड तीनों चीज एक साथ लगा सकते हैं। नीचे की साइड से आप देखेंगे तो चार्जिंग पोर्ट, स्पीकर, माइक, हेडफोन जैक दिया गया है। लेकिन नोट 10 के अंदर आपको स्टीरियो स्पीकर्स भी मिलते हैं जो हॉट 10 एस के अंदर नहीं दिए गए। राइट साइड पर वॉल्यूम के बटन और पावर के बटन। हॉट 10 एस में फिंगरप्रिंट स्कैनर बैक पैनल पे है, लेकिन नोट 10 में आपको साइड में ही दिया गया है पावर के बटन के अंदर ही। ऊपर की साइड से आप देखेंगे तो दोनों के अंदर प्लेन डिजाइन है, इस तरफ कुछ नहीं दिया गया। अब दोस्तों दोनों के अंदर आपको एंड्रॉइड का लेटेस्ट वर्जन मिल जाता है, एंड्रॉइड 11। इस चीज में दोनों जैसे हैं। दोस्तों इनफिनिक्स के हॉट 10 एस में आपको दी गई है 10,500 में 6GB रैम 64GB की इंटरनल स्टोरेज। नोट 10 के अंदर आपको 12,000 में मिल जाती है 6GB रैम 128GB की इंटरनल स्टोरेज। तो रैम दोनों में बराबर दी गई है 6GB, लेकिन स्टोरेज आपको डबल मिल जाती है नोट 10 के अंदर। इस चीज में नोट 10 ज्यादा बढ़िया है। बात करें दोस्तों बैटरी के बारे में तो नोट 10 में आपको बैटरी मिलती है 5000mAh की, हॉट 10 एस में आपको बैटरी दी गई है 6000mAh की। दोनों के अंदर आपको एक दिन का बैटरी बैकअप आराम से मिल जाता है। बैटरी के अंदर दोनों बढ़िया है। नोट 10 में ये खूबी ज्यादा अच्छी है, इसके अंदर आपको चार्जर फास्ट दिया गया है बॉक्स के अंदर ही। बात करें दोस्तों प्रोसेसर के बारे में तो प्रोसेसर भी आपको दोनों के अंदर एक जैसा मिल जाता है, मीडियाटेक का G85। अब देखिए दोस्तों अगर आप एक हैवी यूजर हैं, परफॉर्मेंस आपको बढ़िया चाहिए, तो भी ये दोनों स्मार्टफोन्स काफी ज्यादा बढ़िया हैं। दोनों ही के अंदर आपको एक जैसे प्रोसेसर दिए गए हैं, हैवी यूज के अंदर दोनों में आपको दिक्कत नहीं होगी, इस चीज में दोनों अच्छे हैं। तो दोस्तों ये सारी खूबियां कमी आपको मिलती हैं दोनों के अंदर। चलिए बात कर लेते हैं सबसे मेन चीज, आपको इन दोनों में से कौन सा लेना चाहिए कौन सा नहीं। तो मैटर सबसे पहले ये करता है कि आपकी जो मेन जरूरत की चीज है वो किस स्मार्टफोन के अंदर ज्यादा बढ़िया है। तो दोस्तों देखिए अगर आपको बैटरी अच्छी चाहिए तो आप दोनों में से कोई सा भी खरीद सकते हैं, दोनों ही काफी ज्यादा बढ़िया है। लेकिन दोस्तों नोट 10 और ज्यादा बेटर है, इसके साथ आपको चार्जर फास्ट दिया गया है। इसी के साथ दोस्तों अगर आपको डिजाइन अच्छा चाहिए तो भी दोनों बढ़िया है, आप दोनों में से कोई सा भी खरीद सकते हैं। प्रोसेसर भी दोनों के अंदर बढ़िया दिए गए हैं, आप दोनों में से कोई सा भी ले सकते हैं। लेकिन दोस्तों अगर आपको कैमरा अच्छा चाहिए तो आप इन्फिनिक्स का नोट 10 खरीदिएगा, इसके अंदर आपको कैमरा ज्यादा बेटर दिया गया है। और दोस्तों अगर आपको डिस्प्ले अच्छी चाहिए तो भी आप नोट 10 खरीदिएगा, इसके अंदर आपको डिस्प्ले की क्वालिटी ज्यादा अच्छी दी गई है। हालांकि इसके अंदर आपको 90 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट नहीं मिलता, लेकिन दोस्तों क्वालिटी ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो इसके अंदर आपको ज्यादा बढ़िया मिल जाती है हॉट 10 एस से। आखिर में अगर आपको रैम और स्टोरेज ज्यादा चाहिए तो भी आप नोट 10 खरीदिएगा, इसके अंदर आपको रैम और स्टोरेज डबल मिल जाती है। तो दोस्तों देखा जाए तो लगभग सारी खूबियां एक जैसी हैं दोनों के अंदर, लेकिन तीन चीजों में नोट 10 और ज्यादा बढ़िया है। डिस्प्ले ज्यादा अच्छी है, कैमरा ज्यादा बढ़िया है, और तीसरा इसके अंदर आपको रैम और स्टोरेज अच्छी दी गई है। वैसे पर्सनली मुझे डिजाइन भी इसका ही पसंद आया। तो दोस्तों क्वालिटी वाइज देखा जाए तो वैसे तो दोनों बढ़िया है, लेकिन नोट 10 ज्यादा बेटर है इन दोनों के अंदर, मुझे भी यही पसंद आया। आप बताइएगा फिर भी कमेंट करके आपको इन दोनों में कौन सा ज्यादा अच्छा लगा। मैं आपको नोट 10 सजेस्ट करूंगा, आप जरूर बताइएगा कौन सा अच्छा लगा। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो के नीचे जो लाल कलर का बटन उसे दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी दबा दिएगा ताकि नई वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। इसके अलावा वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगी तो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दिएगा व्हाट्सएप, फेसबुक पे। और दोस्तों मैंने एक और बढ़िया वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहां से जाके एक और वीडियो आप देख सकते हैं जो काफी ज्यादा बढ़िया है, वीडियो को जरूर चेक कर लीजिएगा। मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।